स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बड़ी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। आप लोग भाइयों प्याज तो खाते ही हैं सलाद में, है ना? अधिकांशतः लोग खाते हैं। कुछ ऐसे हैं हिंदू धर्म में जो प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे, उनके कुछ अपने रीति रिवाज नियम होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि प्याज के रस के सेवन से, प्याज के रस को आप जैसे लोग शराब पीते हैं, उसी प्रकार से यदि जो व्यक्ति प्याज के रस को कम से कम 50 ml, 25 से 50 ml जो प्याज के रस को डेली सेवन करता है, डेली पीता है, तो उसे 15 से 20 बीमारियां शरीर में नहीं लग पाती हैं। आइए चलते हैं उस ओर कि किस तरह से प्याज का सेवन किया जाए और किन किन बीमारियों में वो फ़ायदा करेगा। सबसे पहले जिन लोगों के लिए स्मरण शक्ति की दुर्बलता हो गई है, माने जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उन बच्चों के लिए यह अद्भुत है। यह बड़ा आश्चर्यजनक रूप से परिणाम लाता है। अगर बच्चा है तो कम से कम एक बार में 25 ml, जैसे लोग सिरप पीते हैं, ताकत का टॉनिक पीते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि 25 से 50 ml यदि आप रोज़ इसका सेवन करें, फिर देखें कितने चौंकाने वाले आपको परिणाम मिलेंगे। किसी भी टॉनिक को पीने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्याज के रस को पी लो। और जिनके चेहरे पर उम्र के हिसाब से या कमज़ोरी के कारण झुर्रियाँ आ रही हैं, खाल सिकुड़ रही है, उनके लिए ये बड़ा फ़ायदा करेगा। विशेष रूप से जो औरतें, जो कलाकार, जो लड़कियां अपने चेहरे पर गिलो लाना चाहते हैं, एक चमक लाना चाहते हैं, अपनी त्वचा पे एक कांति लाना चाहते हैं, निखार लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये पीना चाहिए, प्याज का रस। इसके अलावा ये बड़ा ही अच्छा रसायन है, बड़ा बहुत अच्छा उपयोगी है। जिन लोगों के लिए काम करते समय थकान जल्दी आती है, स्टेमिना जल्दी फूल जाता है, और जिनके आँखों की चमक और आँखों की रोशनी कम हो रही है, जिनको मोतियाँ बिंद की शिकायत हो रही है, तो निश्चित रूप से आप इसे पियो। धीरे धीरे आपकी नज़र बढ़ जाएगी और चश्मा लगा है तो उतर जाएगा आपका। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और जिनके लिए हृदय में, हार्ट में चुभन जैसी होती है, तो निश्चित रूप से ये ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा। जिन लोगों के लिए अफारा हो जाता है, भूख नहीं लगता है, भोजन पचता नहीं और गैस बनता है, उनके लिए तो ये रामबाण है, माने पीलिया में भी, पीलिया के रोगी को भी ये काम करेगा। जिनके शरीर में खून की कमी हो गई है, एनीमिया की शिकायत हो गई है, वो लोग इसका निश्चित रूप से सेवन कर सकते हैं, उनके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अनावश्यक चर्बी, माने वजन को मेंटेन करना चाहते हैं, वजन को एकदम बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, घटाना भी नहीं चाहते हैं, एक स्लिम बॉडी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको पियो, फिर देखो चमत्कार। इसके अलावा जिन लोगों के लिए लीवर और किडनी में संक्रमण हो जाता है, सूजन और दर्द और तिल्ली बढ़ने का जो दिक्कत होता है शरीर के अंदर, वो भी ठीक हो जाता है। एक बात और, जिन स्त्री पुरुषों के अंदर सेक्स करने की इच्छा खत्म होने लगती है, सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, जो सेक्स सही से नहीं कर पाते हैं, या फिर जो
अपने शुक्राणुओं को बढ़ाना चाहते हैं या जो महिलाएं अपने डिम्बाणुओं को बढ़ाना चाहते हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं ठीक से, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा एक पेय पदार्थ है। आप इसको एक शौक की तरह पियो, जैसे राजा महाराजा लोग मदिरा का पान करते थे, आप इसको शराब की मदिरा का पान, सॉरी, आप ये प्याज के को मदिरा समझ के शौक में पियो, फिर देखो क्या होता है। मदिरा और अमृत में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अमृत भी समुद्र से निकला था और मदिरा भी वहीं से निकली थी। दोनों का उद्गम एक है, प्रभाव अलग अलग है। आप इसको अमृत की तरह भी सेवन कर सकते हैं, चाहे तो इसकी शराब भी बना सकते हैं, उसका एक अलग फार्मूला तरीका है, ठीक है। अब आपको लेना कैसे है, लेना है 25 से 50 है वाला। अगर बच्चा है 12 साल तक का, अगर याददाश्त को सही रखना चाहता है, तो उसके लिए 25 ml प्याज का रस निकाल के उसमें काला नमक डाल करके, उसमें थोड़ा जीरा डाल करके, जीरा का पाउडर, और उसमें काली मिर्च डाल के स्वाद अनुसार, माने 2 से 4 काली मिर्च, बच्चे को दो, और बड़े लोग 50 ml रस लेंगे, लेकिन खाली पेट मत लेना, क्योंकि आग डालेगा ये। जैसे शराब को खाली पेट नहीं पिया जाता है, उसी प्रकार से इसको प्याज के रस को भी खाली पेट नहीं लेना है। नाश्ता के बाद इसको ले लें आप सुबह के लिए। बड़े हैं तो 50 ml, 15 साल से ऊपर हैं तो 50 ml, 15 साल से नीचे हैं माने 12 साल से नीचे, वो 25 ml लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, काला नमक, काली मिर्च और जीरा डाल करके पिसा हुआ इसमें, फिर आप सेवन करें। ऊपर से आधे घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, और दोपहर में 3 से 5 बजे के समय भी ले सकते हैं। एक बात और, यदि जाड़ा है, ठंडा लग रहा है, शीत ऋतु है, तो आपको निश्चित रूप से हल्का गुनगुना करके इसको लेना चाहिए, राइट। इसके अलावा जो लोग शरीर में खून बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए शहद मिला करके इसमें पीना चाहिए, इस पेय पदार्थ के लिए। उनके शरीर में खून की वृद्धि होगी, वीर्य की वृद्धि होगी, गिलो बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इस जानकारी को भाइयों आगे बढ़ाओ, ताकि हमारे देश का आयुर्वेद घर घर पहुँचे। आज बच्चे बच्चे पे मोबाइल है, घर घर पहुँचे और उसका लाभ सबको मिले, अंग्रेजी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, कम से कम ज़रूरत पड़े। एक चीज़ ध्यान रखना, अंग्रेजी दवाई दो ही चीज़ों में कारगर है, एक तो ऑपरेशन करने में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा किसी को पेन किलर के रूप में यह बहुत जल्दी रिलीफ देता है। बाकी इसके अलावा अंग्रेजी दवाई का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एक बात और, जो लोग हस्त मैथुन करने से नपुंसक हो चुके हैं, हो रहे हैं, वो लोग ये लगातार इसका सेवन करें, 45 से 90 दिन, 6 महीने धुआंधार करो, फिर देखो बॉडी कैसी बन जाती, गारंटी है। बस परहेज ये करना है, चेपादार चीज़ नहीं खाना, जैसे चावल है, घुया है, भिंडी है, इस तरह की चीज़ें। फिर मिलूँगा नई जानकारी के साथ, ओम शांति।